राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक वाजिब अली की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी की ओर से धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होने की मांग की जा रही है, तो विधायक वाजिब अली ने अपना बयान जारी कर कहा कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने आने से पहले भी कोरोना टेस्ट करवाया और विधानसभा पहुंचने से पहले भी कोरोना टेस्ट करवाया, दोनों ही जगह रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वाजिब अली ने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव वोट डाल सकते हैं तो फिर मुझे रोकने की बीजेपी क्यों नाकाम कोशिश कर रही थी। बीजेपी वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, वो 307 का मुकदमा दर्ज कराए, 302 का कराए, लेकिन आपको ये सबके सामने है, जब आदमी स्वस्थ है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, टेस्ट हो चुके हैं, वो सारे नेगेटिव हैं, उसके बाद आदमी अपने मत का प्रयोग तो करेगा, तो इसमें तो कहीं इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं, तो बेफालतू की बातों का बतंगड़ बनाना इनकी आदत है, वही इसी के तहत ये लोग ही कर रहे हैं, बौखला गए हैं अपनी हार से। असल बात तो ये है, इनके मनसूबे खराब हो गए, ये जो सरकार को असंतुलित करने की कोशिश के में लगे हुए थे, वो सारे इनके मनसूबे पे पानी फिर गया, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और इस तरह उल्टी सीधे बयान। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।